हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। इसको बनाने के लिए हमने चिकन बिरयानी राइस, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, टमाटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और गैस पे कढ़ाई और पतीला को रखेंगे। पतीला में चावल का 4 गुना पानी डालेंगे। और दूसरी तरफ कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे। अभी पतीला में रखा हुआ पानी को गर्म होने देंगे, उसे ढक देंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में प्याज डाल के और प्याज को अच्छा से पकाएंगे ताकि उसमें चिकन अच्छा से पक सके। देख पा रहे हैं पानी गर्म हो चुका है और दूसरी तरफ कढ़ाई में प्याज अच्छे से पक। पानी अच्छा से बॉईल हो गया है। अब हम लोग इसमें बिरयानी का जो मसाला था उसको डाल देते हैं। दो मिनट तक बॉईल होने के बाद में उसमें हम लोग नमक डालेंगे, साथ ही कढ़ाई में भी नमक डाल देंगे। साथ ही साथ दोनों में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना है। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता दोनों को डाल के अच्छे से चलाएंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई में चिकन को डालेंगे और धीरे धीरे अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे चावल ऐड करेंगे और अच्छा से मिक्स करके फिर से उसे ढक देंगे। पूरा नहीं ढकना, अगर पूरा ढकेंगे तो बॉयल होके उसका पानी बाहर आएगा। चिकन में हम लोग हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और चिकन मसाला तीनों डाल के अच्छा से उसको मिक्स कर देंगे। चावल को ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाना है। इतना टाइम में चावल 90% तक पक जाएगा। ध्यान रखना है कि पूरा कवर ना हो, पूरा कवर होगा तो पानी बाहर गिरेगा। बीच बीच में आप चेक करते रहे चावल पका है या नहीं।
यहाँ पे चावल को पकते हुए 6 मिनट हो चुका है और हमारा चावल पक के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग गैस को बंद कर देंगे। चावल से पानी को बाहर कर देंगे। यहाँ पे चावल को बाहर निकाल लिया गया है। चिकन भी रेडी हो गया है। पतीला को फिर से गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। जैसे ही पतीला के अंदर का पानी सूखा हो जा रहा है, उसमें 2 स्पून घी डालेंगे, साथ ही प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, साथ ही जिंजर गार्लिक पक्का पेस्ट भी मिला देंगे। दो मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर चिकन का लेयर रखेंगे, साथ ही पका हुआ चावल को इसके ऊपर डाल देंगे। फिर से एक चिकन का लेयर रखेंगे। अगर आपको चाहिए तो फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा राइस रखने के बाद में हम लोग उसको ऐसे कवर करना है ताकि एयर बाहर ना आ पाए। इसको अच्छा से कवर करने के लिए आटे से पूरे साइड में घेर देंगे। कवर करने के बाद लो फ्लेम में पकने देंगे 6 से 7 मिनट। यहाँ पे 6 मिनट हो चुका है और आइए हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। अभी पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है।